प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरतेहाल और ख़ास तौर पे पंजाब काबीना की इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी, इलेक्शन नताज में रद्दबदल, इस हवाले से भी बात करेंगे। और जो मखसूस नशस्तों का मामला है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चूँकि उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त समात जारी है और बातचीत, ये फैसला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको ये सीटें मिलती हैं, जो कि बज़ाहिर तो आप खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस पूरे मामले में गलती इलेक्शन कमीशन की है, उन्होंने तशरीह आइन की गलत की है, लेकिन फैसला क्या होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इन हालात में बानी चेयरमैन अगले 13 माह में भी बाहर नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो क्यादत है वो इस काबिल ही नहीं है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। ज्वाइन किया है मैं बैरिस्टर लिताड़ साहब ने, सीनियर कानूनदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। भाई साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू वेरी मच जफीर साहब। भाई साहब एक तो बताइएगा कि मामलात कानूनी तौर पे चूँकि समात सारे आवाम ही फॉलो कर रहे हैं, दिलचस्प गुफ्तगू भी हो रही है और हमें भी अब पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के अंदर क्या गपशप होती है, वकालत वकालत कैसे होती है, दलाल कैसे दिए जाते हैं, किस तरह देख रहे हैं ये केस है, दिलचस्प मोड़ पे की तरफ चला गया है। फैसला जो भी आए, चाहे ये चूंकि एक चीज़ के ऊपर तो कायल हो चुके हैं मौजूद जजिस के, गलती तो इलेक्शन कमीशन की है किसी एक सियासी जमात को बाहर करना इलेक्शन से। दूसरा ये कि आप ज़ाहिर फैसला अगर जिस भी तरह का आता है उसके ऊपर हम तो कोई बात नहीं कर सकते, सबको ज़ाहिर काबिल कबूल होगा ही, बट ये कि ये एक तासुर छोड़ेगा, ये एक इतना आसान नहीं होगा, आप किस तरह देखते हैं इसको? जी, मेरे ख्याल में जो मैंने जुडिशियल प्रोसीडिंग देखी है, जी एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कैमरे लगने के बाद से थोड़ी सी जायज मुझे मेरे ख्याल में शायद इलस्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी सी शायद जरा एग्जेजरेट हुई है एक आम कोर्ट रूम के निस्बत। शायद ये जो यूट्यूब पे बराह रास्त जो चलता है जी शायद इसमें उसका किरदार हो। अदर देन दैट, मैंने जो मेरी जो रीडिंग बेंच की है, मेरे ख्याल में ये जो सीट्स हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिल जाएंगी। उसकी वजह ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाबी कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक मुनीब अख्तर साहब रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर की बात कर रहे हैं, शायद वहीद साहब का आपने देखा है कि इंक्लिनेशन जो है वो किस तरफ है, अतर मिनल्ला साहब के तो ऑर्डर्स मौजूद हैं विद रिगार्ड टू द एक्सक्लूजन ऑफ द पार्टी ठीक फ्रॉम द इंटायर पॉलिटिकल एक्सरसाइज। तो ये उसके बाद फिर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जिस तरह पिछली समाअत पर सवाल पूछे, ये तमाम चीजें देखते हुए मैं तो इस राय पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिल जाएंगी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। और इवन अदरवाइज अगर आप केस देखिए तो चले हम वो जो ब्लैक लेटर लॉ है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं जफीर साहब, ठीक चूंकि मकसद ये है कि आपके जो नाजरीन है उनको जरा बात समझा दी जाए। उसके अंदर मामला ये है कि ये जो मुल्क है ये बना हुआ है जमहूरियत के ऊपर और इस मुल्क में अल्लाह ताला की सॉवरेनिटी जो है वो एक्सरसाइज होनी है, लेकिन होनी है थ्रू नाइदर जजेस नॉर जनरल्स नॉर ब्यूरोक्रेट्स नॉर जर्नलिस्ट और लॉयर्स, बट थ्रू द चूज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो लोग जिनको लोग असेंबलियों में भेजे। ठीक तो अगर किसी एक पॉलिटिकल एंटिटी को जो है वो वोट पड़ा है तो उसी तनाजुब से उसको सीटें भी मिलनी चाहिए, बड़ी ये सिंपल सी बात है। मेरे ख्याल में इस बात को अगर हम इतना कंटेन करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा सूदमंद होगा कि आप इसके अंदर से कोई एक बेहतर रिजल्ट निकाल लें। और ये एक कई मुल्कों के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होते हैं तो इसी तरह की एक डायनेमिक उनको इंटरप्रिटेशन दी जाती है, खास तौर पे ऐसी जिससे जमहूरियत जो है वो एलिवेट हो। ठीक है, तो ये बात आपकी ठीक हो गई। ज़रा मज़े जो बेंच है उसको भी, फुल बेंच है उसको भी हम सुन रहे हैं। अब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जितनी चूँकि हम कल बात कर रहे थे यासीन आज़ाद साहब से भी, वो कह रहे थे कि इतना लंबा तो ये चलना ही नहीं चाहिए थी, इतनी इतना लंबा केस है नहीं, बज़ाहिर ये फैसला आ जाना चाहिए था, ये
इतनी तवील समात क्यों हो रही है, आप किस तरह देखते हैं इसको? जी मैं ये समझता हूँ कि शायद यासीन साहब हमारे भाई हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल में भी ये शायद फैसला हो जाना चाहिए था, मगर शायद चूंकि वो मेजोरिटी जो है वो शिफ्ट हुई हुई है और इस वक्त मामला जो है वो रिजर्व सीटें पीटीआई को देने की तरफ शायद ज्यादा गामजन नजर आता है, तो शायद इस वजह से शायद प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई जा रही है। मैं अब आप मुझसे कोई मुश्किल बात जो है वो प्लीज अपने प्रोग्राम में ना कहलवाएं। नहीं, मुश्किल नहीं कहलवा रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर तो जितनी गुफ्तगू हो रही होती है वो मखसूस सीटों के अलावा बाकी इधर उधर की बातें हमें ज़्यादा नज़र आती हैं, जो कि जो सब्जेक्ट नज़र आता है हमें उसके ऊपर नहीं हो रही। इसी जी वजह जी से शायद आपकी बात ये मेरी बहुत पर्सनल मुझे ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल शायद दुरुस्त है। मामला जो है वो ड्रैग होते हुए नज़र आते हैं कि उसमें फैसला आ जाना चाहिए। अब क्या कन्फ्यूजन है इसमें? जफीर साहब आपकी बात 100% दुरुस्त है और नो डाउट, चले मैं लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूँ, मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ कि कहूँ या नहीं, लेकिन ये जब से यूट्यूब शुरू हुआ है मैं सुप्रीम कोर्ट पहले भी जाके ऑब्जर्व करता रहा हूँ, जी हम बैठते रहे हैं, बट ये जो जब से ये यूट्यूब शुरू हुआ है तो ऐसा नजर आता है कि शायद एक ओवर एक्टिंग का जो एक सूरत जो है शायद वो डेवलप हो गई है, और उसके अंदर फिर अब आप देखिए कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चल रहा था जी तो जल्दी लगी हुई थी कि बस अभी आज की आज ही इसको खत्म कर दें, बाकी जजेस कहते थे कि भाई बाकी आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए, इस केस के अंदर अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि मैं खत्म कर देता हूँ अगले 20 मिनट्स में, फैसल सिद्दीकी कह रहा है जो पिटिशनर का वकील है कि भाई जी मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, तो मेरे ख्याल में तो ये केस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए था लास्ट हियरिंग के ऊपर, लेकिन परहैप शायद जो है वो चूंकि एक मैंने जैसे आपको कहा कि शायद मेजोरिटी चूंकि किसी और तरफ है तो शायद परहैप ये वजह हो सकती है ठीक है, ये कि तो चले, अब इसका। फैसला फैसला आएगा, मान लिया, अब ज़रा कबल इस वक्त होगा, लेकिन फैसला जो भी आता है मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जितनी इसके ऊपर बातचीत हो गई है और जिस तरह हम रोज़ ही सुन रहे हैं किसने क्या गलती की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतनी तफसीलात आ रही होती हैं, तो आप नहीं समझते कि अगर ये बरकरार भी रहती है कि भाई ठीक है, जो सीटें जिन जिन जमातों को मिल गई इसी तरह ये ऐवान आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर रिवर्स होता है फैसला और ये सीटें आपको यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाती हैं, या नहीं भी मिलती, एटलीस्ट जो सियासी जमातें हैं जिनको दी गई हैं उन एक्स्ट्रा, तो उनसे छीन ली जाती हैं, तो ये तो ऐवान नामुकम्मल हो जाएगा। नहीं जी देखिए वो तो किसी का केस नहीं है कि वो नामुकम्मल रहे, वैकेंट तो रह ही नहीं सकती, इस बात में तो मेरे ख्याल तमाम पार्टीज जो हैं, जी इलेक्शन कमीशन भी, तमाम सियासी जमातें भी और सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर है कि वैकेंट नहीं रह सकती, और या तो मिलेंगी तो सुनी इतिहाद कौंसिल को मिलेगी या बाकी पार्टियों को मिलेंगी, बट वैकेंट नहीं रह सकती। लेकिन अगर आप ये देख लीजिए कि मामला इस तरह से है कि अगर आपके ख्याल में वो मिलनी चाहिए तो क्या वो एक गैर तनासुब के तौर पर बाकी पार्टियों को दे दिया जाए, जैसे अब ये जो आपने देखा कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने बड़ा पर्टिनेंटली जो है वो उसको मार्कआउट किया कि केपीके के अंदर आप इसको देखें कि एक ऐसी जमात जो के कम सीटें लेके आई है नून लीग, उसको जितनी सीटें उसने जीती नहीं है उससे ज्यादा रिजर्व सीट दी जा रही है, तो सही अब एक ये जो एब्सर्डिटी है इसको भी तो किल करना है ना जफीर साहब, तो जी, मेरे ख्याल में तो ये सीटें जो हैं ये SIC को भी नहीं, मेरे ख्याल में ये PTI को वापस मिल जाएंगी, और ये फुल कोर्ट की तरफ से एक डिक्लेरेशन आएगी कि वो जो 13 जनवरी का फैसला शायद वो ओवर रूल तो ना हो लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि तरीके इंसाफ को ये इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मामला अब मखसूस नशिस्तों का, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दड़ेबाजी बज़ाहिर नज़र आ रही है और उसके ऊपर बहुत बातचीत भी हो रही है, फवाद चौधरी साहब आजकल खबरों में हैं, प्राइम टाइम शोज़ कर रहे हैं वो, बड़े रेगुलर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे हैं कि इन हालात में बानी चेयरमैन अगर अगले 13 माह में भी बाहर नहीं आ सकते, ये 2-3 दिनों से एक ही जुमला वो दोहराए जा रहे हैं, मौजूदा जो लीडरशिप है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इस काबिल ही नहीं है, और बहुत सारी वो बातें भी कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि जी अभी आमिर जिया साहब को इंटरव्यू दे रहे थे कि 9 फरवरी को या 10 फरवरी को इवन, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना अच्छा मैंडेट मिल गया था,
इनको कैंप लगा देना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं हुए। डिसीजन बनी, हर अच्छा मौका ज़ाया किया मौजूदा लीडरशिप ने। जी, जो भगोरे भाग गए थे थोड़ा सा मुश्किल वक्त देखकर, जी वो अब आके वापस बता रहे हैं जी कि किस तरह से एफर्ट डालनी चाहिए थी। मैं तो इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, खैर इस मुल्क में कोई भी नहीं लेता, लेकिन मैं तो बिल्कुल इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। मेरे ख्याल में ये इनकॉन्सिक्वेंशियल बातें हैं और कोई वेट इनको जो है, सियासी वेट इनको नहीं दिया जा सकता। मेरे ख्याल में इनका तरीके इंसाफ के साथ जो रिश्ता है वो खत्म हो चुका है और अब ये जो मर्जी कर लें, ये उल्टे होके अपने सर पे नाच लें, अब वापस नहीं आते। ठीक, तो अच्छा वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन ये थोड़ा सा मोमेंटम या कुछ एक हम देख रहे हैं कि नरम गोशा पाया भी जा रहा है कुछ हलकों में, तो अब समझते हैं, अब ज़रा फैसला तो बानी पीटीआई ने ही करना है। वो उन्होंने अगर कह दिया कि भाई फलां फलां होंगे, और हो सकता है कि जब वो बाहर आए तो वो कह दें कि तमाम नई लीडरशिप होगी, इवन जो मौजूदा लीडरशिप है इसमें से भी कुछ लोगों को माइनस किया जाए। तो एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है बैरिस्टर साहब, और ये कहनी भी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, आम लोग हैं जिनके पास ओहदे नहीं हैं, उन लोगों ने बड़ी जंग लड़ी है। सियासी जो लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप थी, वो हमें बैकफुट पे नजर, दो चार छः के अलावा। तो ये तो है कि अब जितने वोट मिले हैं, आज़ाद उम्मीदवार जितने जीते हैं, उसमें या तो आम कारकुनान का और वोटर का किरदार था, और वो मानते हैं बानी पीटीआई को। दरमियानी लीडरशिप एम क्यू के ज़माने में कभी होता था कि उनके जो MNA MPA होते थे या मिनिस्टर्स होते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, एक सेक्टर इंचार्ज ही सब कुछ होता था और आम आवाम सब कुछ होते थे, या फिर उनके बानी। जी, आपकी बात ठीक है और इस बात में तो हिस्टोरिकली कोई शक नहीं है कि वो सेक्टर इंचार्ज जो है पूरा टाउन चलाता था, सिविल साइड भी चलाता था और क्रिमिनल साइड भी चलाता था, जिसमें बत्ता और तमाम चीजें जो है, एक्सट्रॉशन, किडनैपिंग, तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद होती थी। और अभी बकरा ईद गुजरी, आपको याद होगा कि किस तरह फिर सेक्टर इंचार्ज जो है वो खाले भी इकट्ठी करते थे, अरबों रुपए की खाले भी ले जाते थे। तो ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे जो है कोई यानी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। मगर अगर आप पीटीआई का केस देखिए तो मेरा ख्याल जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ खान का है, जिसके साथ खान का नाम लग गया, लोगों ने नेटवर्क ना होने के बावजूद सिंबल ढूंढे हैं, और जिनको शायद जो है वो पानी का एक गिलास भी ना देते अगर वो मांगते, उनको जाके अपना कीमती वोट देके आए हैं सिर्फ खान साहब की मोहब्बत में। और ये फॉर्म 47 वाली जो रिगिंग है, इसके बावजूद आपने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने है। तो मेरा ख्याल द राइटिंग इज ऑन द वॉल, अब मेच्योरली हमें इन चीजों को समझ लेना चाहिए कि मुल्क को आगे किस तरफ लेके जाना है। भाई, जो लोगों की आवाज है उसको सुने, जो राइटिंग ऑन द वॉल है उसको पढ़ें, और जमहूरियत को इस मुल्क में पलने दें, क्योंकि ये जो गैर जमहूरी फोर्सेज हैं और गैर जमहूरी रवैये हैं, इन्होंने बड़ा नुकसान मुल्क को ऑलरेडी पहुंचा दिया। खुदारा प्लीज इस मुल्क को और बर्बाद ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई साहब। और एक आखिरी पॉइंट है, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में भी, यहाँ आपने बड़ी कानूनी जंग लड़ी, तो किस तरह देखते हैं, परमिशन मिल जाएगी, माहौल बन जाएगा? नहीं जी, परमिशन तो नहीं देते अभी तो। आपने देखा पंजाब हुकूमत की कैबिनेट एक इंडिविजुअल के लिए अप्रूवल दे रही है ताकि वो जेल में रहे, मजीद केसेस मुकदमा काटा जाए। जी जी, तो आप तो मतलब आप ये तो ना समझें कि इजाजत मिलेगी, ये तो एक टू बी वेरी ऑनेस्ट खून और पसीने की जंग होगी और वो लड़नी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ दिग्गर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।